हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार स्टेट से आप लोग की जो पात्रता परीक्षा है बिहार की, उसमें जो बच्चे 11th 12th के लिए कॉमर्स से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उन बच्चों का क्या सिलेबस रहेगा, उन्हें क्या क्या चीज़ें कॉमर्स में पढ़नी है, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इसकी प्रिपरेशन मैं भी आप लोग को करवा दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर बहुत जल्दी हुआ था, इतना आप लोग को टाइम नहीं मिला था। फिर भी जो प्रैक्टिस सेट्स मैंने आपने दिए थे उससे बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बच्चों ने इसको भी क्लियर कर लिया था। तो आइए देखते हैं अब इसका सिलेबस, और आप लोग मुझे कमेंट करिए जिससे जल्द से जल्द इसकी क्लासेस भी आप लोग के लिए लेकर दिया। तो सबसे पहले जो इसमें पढ़ना है, क्योंकि सबसे कॉमर्स की जब बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो पहला यूनिट इसका जो होगा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि क्या कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग के और अकाउंटिंग के, जो पुस्तपालन और लेखांकन होता है उसके क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या होती हैं दोनों चीज़ें, उसको समझना। उसके बाद जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं किसी बिजनेस की, कैसे प्रिपेयर होंगी, जर्नल लेजर कैसे बनेगा, ट्रायल बैलेंस है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, फिर फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, सिंगल एंट्री सिस्टम, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में पूछी जाती है, कई क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट जो क्वेश्चन होते हैं गुडविल से रिलेटेड हो जाते हैं, या फिर जो आते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकाले जाते हैं उस रिलेटेड होंगे। वैरायटी अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंटल अकाउंट है, इतना आपको पढ़ना होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कनेक्ट ऑडिटिंग अंकेक्षर, इसमें क्या आएगा, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दो चीज़ें रहती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा, वॉचिंग क्या है, वैल्यूएशन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी होती है कितने टाइप्स की रहती हैं, क्या क्या चीज़ें क्वालिफाइंग होती है या क्लीन रिपोर्ट होती है, कंपनी का ऑडिट क्या होगा, क्या इसकी सेक्शंस होती हैं, इसमें से वो सेक्शंस भी काफ़ी पूछी जाती हैं, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी, ये आपका ऑडिटिंग का पोर्शन रहेगा, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का टोटल आना है, तो जितने भी आपके यूनिट दे रखे हैं सब में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको सब तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है यूनिट थर्ड, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ यानी कि जो व्यावसायिक नियम है उससे क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें जो पहला पॉइंट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसका अलग से भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से, जहाँ पर मैंने डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है, इसके एक एक लेक्चर आपको मिल जाएंगे, लिंक मैं शेयर कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम जो होता है, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो विनिमय साध विलेख होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, चेक है, प्रॉमिसरी नोट होता है, प्रज्ञा पत्र होता है, उनके बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, तो चीज़ें वही रहेंगी, थोड़ा सा आपको बस समझना होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आगे अगर देखें हम तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो निगमीय लेखांकन होता है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं शेयर रहता है, कि शेयर का कैसे इशू किया जाता है, और फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है इसमें, फ्यूचर में न्यूमेरिकल और उसका रेशियो, तो कितना आधे कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हुआ या फ्यूचर अकाउंट में कितना जाएगा, इससे रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं, उनका रिडेम्पशन जो होगा कहाँ से किया जा सकता है, किसमें से नहीं किया जाता, कैपिटल में से किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये सारे क्वेश्चन होंगे। कैसे फाइनेंशियल जो फाइनल अकाउंट होते हैं किसी कंपनी के प्रिपेयर किए जाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, फिर कैसे एकीकरण होता है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन जो होता है दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो इंटरनल हो रहा है तो किस तरह से होगा, और बैंकिंग कंपनी जो होती है कैसे अपने अकाउंट रखती है, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, इतना आपका रहेगा पोर्शन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। फिर आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें आपको अलग अलग MCQs वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, सारी ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, उनके लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोग समझ लेंगे इससे। मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मीनिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्कोप क्या रहेगा,
इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या रिलेशन रहता है, कॉस्टिंग के मेथड्स क्या होते हैं, कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि एलिमेंट क्या हो जाते हैं, तो उसमें जो होंगे मटेरियल होता है, लेबर होता है और एक्सपेंसेस रहते हैं, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, इकाई जो लागत पद्धति होती है क्या रहती है, इसमें आपकी जो कॉस्ट शीट होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जॉब कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काफ़ी डिटेल में सिलेबस है जिसको आपको कवर करना होगा, तो अच्छी से तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, तभी आप इसको पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर पाएंगे। फिर आ जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन। इसमें भी पहला पॉइंट तो वही रहेगा कि मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टेक्निक्स क्या रहती हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या टूल्स रहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने के, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो रेशियो एनालिसिस जो है इससे रिलेटेड आते हैं, या फिर जो फंड फ्लो और कैश फ्लो है, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी मैं आप लोग को तैयार करा दूंगी। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। फिर आ जाता है इनकम टैक्स। टैक्स से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और टैक्स आपको अच्छे से तैयार भी करनी है क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं तो, और कभी कभी इससे सेक्शंस पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप ऑफ टैक्सेस, कितने तरह के टैक्स होते हैं, तो दो ही तरह के होते हैं, डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होते हैं, कुछ टैक्स डायरेक्ट होते हैं कुछ इनडायरेक्ट में आएंगे। डायरेक्ट में ज़्यादातर इनकम टैक्स रिलेटेड पूछा जाता है, इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो आजकल जीएसटी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, एग्जेम्पशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 10, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, वेरियस हेड्स, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, दो ही को इंक्लूड किया है इन्होंने। वैसे तो पांच हेड होते हैं, आपको पता ही होगा इनकम के पांच हेड होते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सैलरी को और हाउस प्रॉपर्टी को ही इंक्लूड किया है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ई फाइलिंग, कैसे फाइल किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या रहता है जीएसटी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्ट में ज़्यादा इनकम टैक्स के क्वेश्चन होंगे, इनडायरेक्ट की बात होगी तो जीएसटी से होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जेम्पशन, जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट का किस तरह से होता है, तो ये इनकम टैक्स का सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की, जो आपकी व्यावसायिक सांख्यिकी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। इन सबकी वीडियोज आपको मैं चैनल मिल जाएंगे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी आपको लेक्चर्स सारे मिल जाएंगे, अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज वीडियो भी मिल जाएंगी तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए, अगर उसको देख लीजिएगा तो आपको सारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी कम टाइम में। इसके न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उसमें थ्योरी में जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब वहाँ पर मिलेंगी आपको। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, एनुइटीज, डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू, बेसिक कैलकुलस, रूल्स फॉर डिफरेंशियल मैट्रिक्स थ्योरी, यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये तो आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया पोर्शन। फिर स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा कि क्या डिफिनेशन है, स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या है, सोर्स क्या होते हैं कलेक्शन करने के डाटा के, प्राइमरी सेकेंडरी दो तरह का डाटा होता है आपको पता ही होगा, तो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मेन मोड मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, इन तीनों से क्वेश्चन बनेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन। टाइम सीरीज में कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, कार्ल श्रेणी जो होती है कैसे निकाली जाती है, क्या चीज़ें हैं। फिर आ जाएगा इंडेक्स नंबर, मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट क्या होते हैं, तो होलसेल वाला होता है, थोक मूल्य सूचकांक होते हैं, जीवन निर्वाह वाले होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। इसके अलावा फिशर का है, लैसटेयर का है, पाशे का है, आपको सब समझने हैं, अच्छे से देखना है, मेडिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी पूछ सकता है। तो ये रहेगा आपका कॉमर्स का सिलेबस, आपको अच्छे से तैयार करना है। और जितने भी यूनिट्स इसमें दे रखे हैं टोटल, इसमें अगर यूनिट्स की हम बात करें कि कितने यूनिट हैं, टोटल 8 यूनिट्स हैं, आपको सारे अच्छे से तैयार करने हैं। 100 मार्क्स हैं, इन 8 यूनिट्स में से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके 100 मार्क्स के अंदर, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और आप लोग कमेंट करिए तो मैं जैसे जैसे क्लासेस भी आप लोग के लिए स्टार्ट कर दूँगी, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्जाम के। तो पहले इसके प्रैक्टिस सेट भी आएंगे, ऑलरेडी अपलोड भी हैं चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा और भी नए प्रैक्टिस सेट आप लोग के लेकर के आऊँगी, जिससे कि आपकी अच्छे से हेल्प हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके स्टार्ट करेंगे नया हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये हमारा रहेगा पहला जो इसका क्लास रहेगी,
तो अटेंड जरूर करिएगा और आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग की क्लासेस ले करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टा शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।